यहाँ के आस पास के पहले उनको काम मिलना चाहिए। किसान की तरह इसलिए सहमति दीजिए, सभी को साइन करवाए थे कि आपको पहले यहाँ रोजगार देंगे, अग्रीमेंट होगा, नौकरी मिलेगी, आपको काम मिलेगा। उसके बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं हर तरह में, मतलब माइनिंग विभाग को खबर हम कर देंगे, आप प्रोसेस होगी उसमें हम भी कहेंगे और आपको एक लिखित में और ऊपर से वो माइनिंग वाले कहने ने लेते तो उसके ऊपर कोना नहीं छोड़ना तो उनका लेना है। हाँ बिल्कुल सर, परंतु मेरा तो काम ये है कि मेरे इलाके में कोई दूसरा ओवरलोड की शिकायत है उसको लग गया माइनिंग के सामने कितना से अपने लाइबिलिटी बिल्कुल आपकी बात जाए और उसको पहुंचा दिया जाएगा आगे तक। आप बिल्कुल सर एसडीएम को देंगे भैया, हम दोनों की तरफ से कुछ पहुंचा देंगे। मकानों में दरार आ गई, मकानों दरार आ गई, ये सकती है वो रोड रोड ही टूट जाती है, रोड में मकान टूट गए, रोड तो टूटे सरकार, हम बेरोजगार किसान आदमी मकान बहुत से तो बनाते हैं आ रही है, मकान टूट गए हमारे, ये सती है। कंपनी वाले तो खाली करवा रहे हैं, ये बात आप कंपनी वालों को भी दे सकते हैं, नहीं फायदा नहीं ले सकते, शिकायत तो जाएगी कंपनी के लिए, कंपनी को भी अंडरलोड ही ले सकती है। बाहर के लोग आए तो हम वही वेब्रिज से चाहे लोकल चाहे कोई हो, लेकिन अंडरलोड जो जितने पासिंग है ना दमकल उतने ले जा सकते हैं, कंपनी के नियम है। हिंदुस्तान जिंक में था ना वहाँ पे जो दो लोग अपने यहाँ खड़े थे, वो सीधे कंपनी का देखो वो लोड गाड़ियाँ खड़े थे, उसको बोलता है आप क्या कह रहे थे सर? हम तो ये चाहते हैं कि ये जो ट्रक है इनको छोड़ा नहीं जाए, और जो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं उनको हम काम यहाँ नहीं करने देंगे, पेशेंट भी चाहे कुछ भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आगे जिन लोगों को जमीन दी किसानों ने, जो बेरोजगार है उनको काम दिया जाए, पहले उन्हीं को नौकरी दी जाए, उन्हीं को काम दिया जाए। यही एग्रीमेंट हुआ था पहले, यही एग्रीमेंट भी हुआ था कंपनी द्वारा। आप सब कंपनी वालों तक ही पहुंचो बात, आप लिखित में दोगे तो उसको आप लिखित में दोगे तो उसके आधार पर हम लिख के देंगे कंपनी को। मेरे संज्ञान में है कि आप ओवरलोड डंपर आपके अंदर जा रहे हैं जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं है, उसके माइनिंग से मिलकर कार्रवाई की जाएगी, और ये ज्ञापन है लोकल और बाहर वाले लोगों का भी इशू है, तो कंपनी उसका लिखित में जवाब देगी और आपको भी फिर उस जवाब से अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल सर, वो लिखित में देने से ही सर यह भी रखना ये ट्रक यही खड़ी रही, छोड़ना नहीं वहाँ, ताकि वो दिखे भी लोगों को भी दो डंपर तो बड़े मुश्किल से पीछे खड़े, वो ट्रेलर खड़े थे नहीं देख रहे थे, देख रहे थे जगह नहीं है, खड़े थे कल माइनिंग वाले आते थे उनको करनी है कार्रवाई, बेसिकली ये चीजें माइनिंग वालों को हमारे जी बताइए क्या थी मांग? मांग हमारी मुख्य मांग ये है कि जो किसान अपने क्षेत्र के किसान जो जमीन बेची थी उसने एक ही शर्त पर जमीन बेची थी कि पहले उसको नौकरी मिलेगी, और यहाँ के लोग किसान के लड़के ही यहाँ काम करेंगे, जो सप्लाई काम करेंगे वो भी किसान के लड़के करेंगे, पूरा हमारा अग्रीमेंट हुआ था। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये चार दीवारी बनते ये तो राजा बन गए, कि बेंचो बनिए थे ना तो ये बना राजा बन गए, ये तो कि ना तो ठीक है, अब तो मोनोपोली करने लगे, बाहर से ओवर लोड गाड़ी आने लगी, किसानों को रोजगार मिल नहीं रहा, तो हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ किसान के लड़के ही काम करेंगे, किसान के लड़के यहाँ ना जो नौकरी करेंगे, इसलिए हम आंदोलन करें, ये बड़ा रूप लेंगे और इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये बजरी परिवहन भी हो रहा है बड़े लार्ज स्केल पे, और लोडेड वाहन चल रहे हैं, वो लोड वाहन है हजार हजार ग्यारह ग्यारह टन लेके आने, सभी रोड टूट गई, पूरी लोगों के मकानों में दरार आ गई, हमारे तो सभी रोड में बसियां पूरी ढाणियां और रोड में दरार आ गई, ये स्थिति है हमारे यहाँ, और ओ लोड का पूरा दाद किसी को हाथ से होने का डर, ये स्थिति है, तो हम इसके खिलाफ कानून करें, आंदोलन बहुत बड़ा। जी बताइए मान जी, बताइए क्या बताएंगे सर? ये पहले जो
कंपनी साथ में यहाँ एग्रीमेंट हुआ था कि भाई यहाँ के किसानों का कि यहाँ के लोकल आपके एक घर से एक बंदा लिया जाएगा, वो कंपनी वाले ले नहीं रहे और जो भी लोग बाहर के आ रहे हैं उनको सबको बाहर निकालें और यहाँ के लोकल है वही काम करेंगे। एक यहाँ के जो भी साधन है बाहर से ला रहे हैं यहाँ के साधन लगे, ठीक है ये, और ये मनमर्जी कर रहे हैं कंपनी वाले, ये नहीं चलने देंगे अब, ठीक है जी बताइए। हम ये चाहते हैं कि बाहर के लोगों किसी को हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। जो समझौता हुआ था किसानों के बीच में और जो फैक्ट्री मालिकों के बीच में उस समझौते पे उनको कायम रहना चाहिए। समझौता ये किया था कि फैक्ट्री के अंदर जिन किसानों ने जमीन दी है उन घर से एक एक बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी और जब फैक्ट्री में काम चल रहा है तो वहाँ के लोकल लोगों को काम दिया जाए वहाँ पे। ये जो बजरी सप्लाई बाहर से हो रही है हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लोकल काम यहाँ लोकल आदमियों को मिलना चाहिए जी। जैसे कि आपको बताया कि किसानों ने अपनी कीमती जमीन बेची थी, किसानों को रेवेन्यू नहीं आ रहा था और फैक्ट्रियों के बीच में और किसानों के बीच में ये हुआ था कि भाई यहाँ विकास होगा और यहाँ रोजगार उपलब्ध होंगे, लेकिन रोजगार आप देख रहे हो कि जैसे शेर साहब ने 5 ट्रक पकड़े हैं यहाँ से बाहर से लोग बजरी ला रहे हैं, कंक्रीट ला रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस संबंध में हमने आज शेर साहब से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया है कि भाई हम बाहर के लोगों को न तो काम लेने देंगे और नहीं नौकरी करने देंगे, क्योंकि लोकल लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो किसानों को अपनी जमीन बेचने का फायदा क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा है वो किसानों के यहाँ के लोकल लोगों को मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, बाहर के लोगों को हम काम नहीं करने दिए। और डब करें पूरी रोड को तोड़ मतलब तहस नहस कर दिया है, हजारों टन माल लेके आते हैं, ओवरलोडिंग का मामला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग सप्लाई नहीं करेंगे तो उनको रोजगार और व्यापार कैसे मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ और हमने आज हिसाब से निवेदन किया है कि वो लोग वाहनों को अंदर प्रवेश न करने दिया है। हम खनिज विभाग को भी और माननीय एसडीएम साहब को भी देंगे, हमने माननीय विधायक जी से मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियों के किसानों के बीच में ये हुआ था कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फैक्ट्री के बाहर बैठकर आंदोलन करेंगे जी। बताइए सर, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो वादा किया था उस पर उनको कायम रहना चाहिए। नौलगढ़ विधानसभा की जनता ने, किसानों ने इतना उनका सहयोग किया है फैक्ट्री लगाने में, आज ये चार दीवारी बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। यहाँ के जो निर्धारित रेट हो सरकारी उसके हिसाब से सबको काम दो, बाहर का लाने की कहाँ जरूरत आ गई। तो यही रहना चाहिए, यही मेरा कहना है, यही सुझाव है जी। बताइए हाँ बोलो लोड नंबर दिखा जो अरे ये वो लोड नंबर देखो जनता है रोडों पर चलने से डरती है, कोई मर्ज़ी रोडों पर चलने से डरती है जनता। ये गाड़ियां बेकंट्रोल चलती है रात को दिन में, और यहाँ मोटरसाइकिल से छोटे वाहनों से तो चलना मुश्किल है इस रोड के ऊपर। अब ये एक्सीडेंट करके चली जाती है तो कैसे नंबर पकड़ेगा, और नंबर प्लेट मिटा रखी है। पानी चूरा, ये देखो और लोड, हेलो ये देखो पानी
पीछे भी नंबर नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाए पीछे भी नंबर नहीं है, इसको क्या बताएं किसके पास है? तिरपाल उगाड़ दो, पीछे भी नंबर नहीं है, तिरपाल उगाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं है, अमल ला रहे कोई अमल के लिए सत्तर कर रहे हैं वैसे ना आगे नंबर है ना पीछे, ये पानी कैसे इतना, ये पानी लाते हैं डाल डाल के ऊपर से फिल्टर होके आती है, ये देखो नंबर, इसके भी नहीं है कर देना, नंबर ही को नहीं लग रही, गरीब लगा लगे